हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस रीड द क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। द जीएसटी चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ओके, सो व्हाट हैज बीन गिवन टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ अ टी वी हैज़ बिन गिवन टू यू। जी एस टी उस पर हमारा कितना लग रहा है? 12%। सो आपको विनोद कितना अमाउंट पे करेगा शॉपकीपर को, वो आपको निकालना है। सो लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। सी, प्राइस ऑफ अ टी वी दैट हैज़ बिन गिवन। प्राइस ऑफ अ टी वी आपको दिया है 13,000 रुपीज। देन वॉट हैज़ बिन गिवन? जी एस टी हैज़ बिन गिवन। Always remember that GST is calculated on the price. GST is calculated on the price. That is goods and services tax. So, you have to find out the amount of GST. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? Amount निकालेंगे GST का। तो GST मैंने आपको जैसे अभी बताया कि GST हमेशा आपका price पे calculate होता है। 12% of price. 12% ऑफ प्राइस, इट मीन्स 12% ऑफ प्राइस ऑफ अ टी वी। तो प्राइस कितना है टी वी का? 13,000। 12% मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 13,000, 0000 कैंसिल। नाउ 12 मल्टीप्लाई 130, इट विल गिव यू 1560 रुपीज। सो ये जो आपका आ गया, दिस इज वॉट, दिस इज़ द जी एस टी अमाउंट। आपको इतने रुपीज़ का जी एस टी पे करना पड़ेगा। सो विनोद हैव टू पे, विनोद को कितना पे करना पड़ेगा? देखो, जितना प्राइस टी वी का है उतना तो उसे पे करना ही पड़ेगा, प्लस उसका जितना भी जी एस टी आया है वो भी उसे पे करना पड़ेगा। तो प्राइस क्या था टी वी का? 13,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी कितना आया? 1560 रुपीज आया। टीवीज प्राइस वॉज 13,000 एंड द जीएसटी वॉज, वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज़ 1560। सो उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 14560 रुपीज। ठीक है, ये इतना अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। Let us go next question. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. क्या बोल रहे हैं कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे हैं जिस पे सेल लगी हुई थी और उस पे डिस्काउंट मिल रहा था। जैसे हम देखते ना, हम कोई भी शॉप पे जाते हैं, अगर सेल लगी होती है, इसका मतलब क्या कि वो लोग जो आइटम है वहाँ पे आपको उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो स्केट्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट था? 20% का डिस्काउंट था। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज़ 1600, उसको कितना देना पड़ा? 1600। तो आप बताओ कि मार्क्ड प्राइस क्या था, मतलब स्केट्स का प्राइस एक्चुअली में क्या था अगर उसने इतना अमाउंट पे कराया तो। तो देखो, इसमें हम एमपी को अज्यूम करके चलेंगे कि एमपी हमारा एक्स है, क्योंकि हमें एमपी निकालना है। फाइन, सो वी विल गो लाइक दिस। लेट एमपी, एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस, एमपी बी रुपीस एक्स। ठीक है, एमपी को हमने अज्यूम कर लिया एक्स। अब इसी एक्स अमाउंट पे उसको डिस्काउंट मिला होगा। तो देखो, डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट उसे मिला है 20%। फाइन, नाउ डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। रिमेंबर दैट डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। तो आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ एमपी। ठीक है, अब ये एमपी डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है। तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एमपी क्या है? एक्स है। तो कितना आ जाएगा आपका? 20x अपॉन 100। फाइन, ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या आ गया? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वॉट? यू हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, एमपी में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। वी हैव सीन इन अवर लास्ट वीडियोज दैट हाउ टू कैलकुलेट एसपी, एसपी इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, इट इज एमपी माइनस डिस्काउंट। सो व्हाट इज एमपी, एमपी इज एक्स, डिस्काउंट इज 20x/100, सो दैट मीन्स 20x/100 इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 100x-20x दैट इज 80x/100। यानी ये जितना भी आपका अमाउंट आया ये क्या है, एसपी है, ठीक है। लेकिन एसपी आपको कितना दे रखा है, एसपी देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एसपी आपका कितना है, 1600 है, तो इसको हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, 1600 के बराबर करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट, सी एसपी, बट एसपी इन द गिवन क्वेश्चन इज हाउ मच रुपीस, 1600 रुपीस, फाइन। सो एसपी इन द गिवन क्वेश्चन इज 1600 रुपीस, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हमारा एसपी कितना आया, 80x/100, ओके। हमारा जो एसपी है वो कितना आया, 80x/100 इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे और x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे अपॉन वन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 100/80, 0 and 0 कैंसल, 8 1 8, 8 2 16, 0 एज इट इज 200, 2000 रुपीस। इसका मतलब जो एमपी हमारा आ गया स्केट्स का, एमपी कितना आ गया, एक्स हमारा क्या था एक्चुअली में, एमपी, एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द स्केट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कि एमपी कितना हो जाएगा, 2000, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी वाज नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस इट मीन्स whosoever अरुण ने बाय करे हैं स्केट्स तो वो कितने रुपीस दुकानदार को दे रहा है वो दिया है और डिस्काउंट दे रखा है। तो हमने एमपी को अज्यूम कर लिया कि भाई वो एक्स हो जाएगा, 20% ऑफ एमपी निकाल लिया, उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस हमारा ये आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1600, तो 1600 को हमने इसके इक्वल कर दिया एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। Let us go for 10th question. See what it has been telling. I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 18% GST. Find the price before GST was added. आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हेयर ड्रायर परचेज करा है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 5400 है, GST इसमें आ गया है, GST आपका इसमें आ गया है, आपको प्राइस फाइंड करना है बिफोर GST। तो बिफोर GST यानी GST जब इंक्लूड नहीं हुआ था ना तब का प्राइस आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, सी यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि एक हेयर ड्रायर है, ठीक है, हेयर ड्रायर का कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, इतना कॉस्ट दे रखा है, फाइन, 5400। अब इस 5400 में आपका, इस 5400 में आपका GST है ना वो इंक्लूड कर दिया गया है, GST इज़ इंक्लूडेड, और वो GST कितना है आपका, GST है 18% GST है, तो आपको GST को माइनस करके जो प्राइस है ना वो आपको निकालना है। तो देखो आप एक चीज़ समझो कि जब ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस 100% होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो तो 100% होगा। तो अब ये वाला जो प्राइस है 100% में GST इंक्लूड होगा तभी तो आपका फाइनल प्राइस बनेगा, तभी क्या बनेगा आपका फाइनल प्राइस बनेगा, ठीक है। सो आप क्या करो, 100% में GST का कितना परसेंटेज है, 18%, फाइन, 18% अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 118% प्राइस बन जाएगा, दिस इज अवर फाइनल प्राइस, ओके। तो ये आपका फाइनल प्राइस बनेगा। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, 118% का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है ये 118% आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% आपका ओरिजिनल प्राइस था और GST कितना था, 18%, तो ये आपका फाइनल प्राइस है और फाइनल प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 5400, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो भाई ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है,
तो हम क्या करेंगे, 100% इज इक्वल टू हाउ मच। अगर 118% 5400 के बराबर है तो व्हाट इज 100% इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 5400 अपॉन 118। नाउ लेट्स कट इट, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 27s are, कितना आ जाएगा आपका 5400। नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी, ओके लेट्स सी, नाउ देखो तो ये कितना हो गया आपका, 2 9s are 18, 2 27s are 5400। देखो अब इसको आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, 2700 को आपको 59 से डिवाइड करना होगा, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो लास्टली यू विल गेट व्हाट, 4576.27, दिस यू विल गेट, ओके 4576.27 इतना आपको मिल जाएगा, ओके डिवाइड आप करके देख लेना, आपको मिल जाएगा आंसर 4576.27। सो सी, दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ द, दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ योर बिफोर GST वॉज इंक्लूडेड, ठीक है, हेयर ड्रायर का आपका उसके पहले का कॉस्ट है, ये तो हमें क्या दिया था, फाइनल प्राइस दिया था, फाइन। नाउ सी द अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन गिवन, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 1239, एक आर्टिकल परचेज करा गया है, उसकी कॉस्ट क्या है 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ रुपीज ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीका आपको यूज़ करना है इसके लिए भी, तो हम देखते हैं देखो किस तरीके से करेंगे, फाइन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक आर्टिकल खरीदा है, और आर्टिकल जो खरीदा है, ठीक है, उसका वो कितने रुपीज़ में ख़रीदा है, आर्टिकल परचेज्ड, ठीक है, तो आर्टिकल जो परचेज करा है उसका कॉस्ट है 1239 रुपीज़। नाउ इसमें है, इसमें कितना परसेंट इंक्लूडेड है, दिस इज़ द प्राइस इन विच GST हैज़ बीन इंक्लूडेड, तो GST कितना इंक्लूड करा गया है भाई, GST हमारा 18% GST इसमें इंक्लूड करा है। आपको फाइंड करना है आर्टिकल, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन प्रीवियसली, ठीक है, तो हम देखो अगेन मानेंगे कि 100% में 18% GST ऐड होगा, तो 118% बनेगा, और वो किसके बराबर होगा, 1239 के बराबर, तो आपको 100% का कॉस्ट निकालना है, क्योंकि ये जो 100% है ये ओरिजिनल प्राइस था बिफोर GST वॉज एडेड। सो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन 118, ठीक है। अब देखो अगेन इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 6s are 12, ओके ये तो नहीं जाएगा हमारा 2 के साथ, ओके अगेन हम इसे कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 1239 अपॉन 118, फाइन। इसको देखो हम करते हैं, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 0s are as it is। नाउ इसको देखो हम किससे कट करेंगे आपका, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1239 डिवाइडेड बाय 59, सो 59 2s are, इट विल बी व्हाट, 118, और 59 3s are हमारा कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2s are ले लेते हैं, फाइन, 2 9s are 18, 2 5s are 10 एंड 11, ओके सो कितना आ जाएगा आपका, 5 बचेगा, ओके 123 माइनस 118, देन 59 9 विल बी डाउन एंड 59 1s are 59, ओके सो 21 आ गया आपका फाइनल। सो देखो 50 मल्टीप्लाई 21, ओके इसका मतलब ये 59 1s are हो जाएगा, 59 21s are, 50 मल्टीप्लाई 21, ये तो आप कर लोगे आसानी से, ओके तो इतना प्राइस आपका आ गया, ये जो है ना ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस विदाउट
जीएसटी, ये प्राइस है आपका, ये विदाउट जीएसटी है। और यहाँ पे देखो हमने देखा था वो जीएसटी के साथ था, तो जीएसटी के साथ तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। आप हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि आपका जो आंसर है वो कम आना चाहिए। क्यों कम आएगा? क्योंकि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड एंड लाइक्ड इट। इफ़ एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।